दोस्तों देखिए हमारी पाकरवड़ी किस तरह से तेल में तैर रही है, अच्छे से खेल रही है, बिल्कुल कैसे भी पलटाना है मैंने और वैसे ही अच्छे से तैर रही है, धीरे धीरे क्रिस्पी हो रही है, एकदम से मस्त पे की पक रही है। देखिए किस तरह से मैंने कैसे पलटाना है, खुलती नहीं है। तो इस तरह की भाकरवड़ी कैसे बन रही देखते हैं अगले स्टेप में, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरपीजीज रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे खट्टी मिट्टी चटपटी सी लाजवाब बाकरवड़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पर दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं बाकरवड़ी। उसके लिए लगने वाली सामग्री है, मैंने एक कटोरी मैदा लिया और एक चम्मच बेसन लिया है। आप बेसन छोड़ भी सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं। और मैंने कुटा हुआ अजवाइन लिया है एक चम्मच और नमक लिया है स्वादानुसार। और मैंने अभी मैदे में गरम मोयन जो रहता है गरम तेल वो ऐड करूँगी गर्मा गर्म। और इसके लिए लगने वाले मसाले हैं बाकरवड़ी के लिए, चलिए वो देखते हैं। एक चम्मच मैंने धना बीज लिया है, धनिया बीज जो होता है, और सौंफ लिया है एक चम्मच, नारियल का कीस यानी बूरा लिया है 2 चम्मच, और ये खसखस ली 1 चम्मच, जीरा लिया है 1 चम्मच, खसखस जीरा धनिया 1-1 चम्मच, और तिल लिए मैंने 1.5 चम्मच। और मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, उसमें मैंने मिर्ची पाउडर थोड़ा ज़्यादा लिया और थोड़ी सी तीखी खट्टी मीठी चटपटी सी होती है, आप स्वादानुसार ले सकते हैं। और मैंने शक्कर लिए है, नमक लिया है, ये सब स्वादानुसार है, और मसाला भी लिया है यही स्वादानुसार ही है। आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा खट्टा चाहिए तो। और मैंने इमली की चटनी बनाई है, उसमें मैंने गुड़ और शक्कर मिर्ची पाउडर और नमक मिला के बहुत स्वादिष्ट टेस्टी चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं कभी डाल दूँगी अगले वीडियो में। और चलिए बनाते हैं अभी हम बाकरवड़ी का डो। उसके लिए मैंने बॉल में आटा ले मैदा डालना है और उसमें बेसन ऐड करना है, अजवाइन और नमक ऐड करना है और गर्मा गर्म तेल ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए गर्मा गर्म तेल ऐड किया, बहुत ही गर्म है, हाथ से नहीं करना है, ये स्पैचुला से ही करना है। और इस अच्छे से उसको मिक्स कर रही मैं अभी एकदम से। देखिए पूरा मिल जाना चाहिए, पूरे मैदे में तेल मिक्स होना चाहिए, हर कण में मैदे के, तभी हमारी बाकरवड़ी खस्ता बनेगी। पूरे इसमें अच्छे से मिलाना है। दोस्तों अगर हमने कोई भी खस्ता पदार्थ बनाना है तो गर्मा गर्म तेल डालो तो अच्छे से खस्ता बनता है। देखो इस तरह से अच्छे से मिलाना है एकदम से, उसका कलर बदलते जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये देखिए कलर बदल रहा है, ऐसा मैं हाथ से भी बना के बताती किस तरह से टाइट चाहिए। ये देखिए मैं हाथ से बना के बताती इस तरह से हमको जमना चाहिए आटा, जो मैदा है वो इस तरह से जमना चाहिए। अभी हमने इसमें पानी डाल के गूँथेंगे, टाइट गूँथना है एकदम से। तो पानी डालती हूँ मैं, पानी बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। देखिए इस तरह से पानी लिया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, और अभी डो तैयार करती थी। डो मैंने इस तरह से बनाया है, एकदम टाइट है डो। देखिए अब तो चलिए अभी डो को रखते हैं साइड में और बाकरवड़ी का मसाला तैयार करते हैं हम। पैन गरम कर लिया है, अभी इसमें मसाले ऐड कर देती मैं। धनिया बीज डाल देती, सौंफ ऐड कर देती और जीरा भी, और इनको धीरे से यानी स्लो आँच से मीडियम पे, स्लो से मीडियम पे भूनना है इसको। इस तरह से भूनना है कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए, और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से भुना हुआ। अगर फास्ट पे करेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा, इसीलिए इसको अच्छे से रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट बोलेंगे इसे हम, अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। अब इसमें तिल ऐड करूँगी मैं, तिल को भी वैसे ही ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से। देखिए इस तरह से एकदम, और इसके बाद में हमने इसमें खसखस मिलानी है, पर खसखस पहले नहीं मिलानी, बाद में मिलानी है ताकि वो जल्दी जले नहीं और अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। और अभी नारियल का बूरा भी मिला देंगे हम इसमें, उसको भी अच्छे से भूनेंगे, ब्राउन होने तक भूनना है। ये सब प्रोसेस हमने स्लो तापमान पे ही करना है। ये देखिए इस तरह से स्लो स्लो हो रहा है सब, धीरे 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 खुशबू आना चालू हो जाता है, मस्त खुशबू आती है इसमें से। ब्राउन होने तक हो गया हमारा ब्राउन, देखिए इस तरह से भुनना है।
अभी मैंने इंडक्शन बंद करके इसको ठंडा करती थोड़ा, और फिर मिक्सर में डाल देती। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए। मैंने मिक्सर में निकाल लेती इसे, ये देखिए इस तरह से। और अभी ये सब मसाले जो पाउडर मसाले वो ऐड कर देती इसमें, शक्कर मिर्ची पाउडर सभी मसाले ऐड कर देने हैं मैंने इसमें अच्छे से। आपको अगर लगता है तो इस लेवल पे आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, या जो थोड़ा सा खट्टा चाहिए तो इस तरह से मैंने। और इसका ड्राई पाउडर बनाएंगे, एकदम फाइन पीसना है। हो गया हमारा, इसको साइड में करते हैं और डो देखते हैं अभी डो का क्या हुआ है। चलिए हाथ में थोड़ा तेल लेके डो को थोड़ा गूंथ लेते अच्छे से, और इसके पार्ट कर लेते अच्छे से, गूंथ ले, गूंथ के लूज़ नहीं करना है, टाइट ही रखना है। इसके हमने पार्ट करने हैं, जिस अपने को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 3 4 5 करने हैं, देखिए मेरे कितने बनते हैं देखती। 5 बन गए शायद मेरे, 5 बनते हैं। अभी इसे चपाती बना के रखते हैं, पतली चपाती बेलनी है हमें, पर जो बॉर्डर से थोड़ा मोटा रखना है, इसलिए मैं फिर से एक बार रोल कर रही हूँ बीच में से पतला हो जाए करके। ये देखिए इस तरह से हो गया है। अभी इसको हमने चटनी लगानी है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चटनी लगानी है। अच्छे से चटनी लगा ली थी, पूरी तरह से चटनी लगाना है, और फिर इस पर मसाला ऐड करेंगे। बॉर्डर से नहीं लगानी, सिर्फ बीच में से लगानी है हमें। धीरे धीरे हो गया हमारा चटनी लगा के। अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, जो ड्राई रोस्ट मसाला है वो ऐड करेंगे। पूरा थिक लेयर लेंगे, पूरा मसाला अच्छे से थिकनेस के संग, देखिए इस तरह से पूरा फैल गया। अब इसमें सेव डालेंगे हम, सेव डाल के, सेव डालते हैं उसको बेलन से अभी सेट करते हैं, ताकि मसाला निकले नहीं, अच्छे से जम जाए और भाकर बड़ी को अच्छे से चिपक जाए करके। हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है। देखिए इस तरह से हो गया। अभी इसको हमने रोल करना है बाकरवड़ी को। बाकरवड़ी ऐसे टाइट रोल करनी है, देखिए इस तरह से, तभी वो बाकरवड़ी बनेगी ना एकदम से। ये देखिए इस तरह से, टाइट एकदम से। और अभी इसको पानी लगाते हैं पाउडर पे, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और तेल में निकले नहीं करके अच्छे से चिपक जाए, इसलिए हमने इसको लगाना है पानी। और अभी ऐसे हल्के रोल करना है, साइड से काट लेते हैं, इधर से भी काट लेते हैं। और भाभी बनाती इसकी छोटे छोटे पीसेस, इस तरह से इसलिए काट रही हूँ कि इसमें सेव है तो कटने में थोड़ा सा ये हो जाता है। इस तरह से हमारी पूरी कट के हो जाती है। तो हमने नेक्स्ट प्रोसेस में इसको ऐसे उठा उठा के दबाना है अंगूठे से। ये देखिए सभी बाकरवड़ियों को इसी तरह से दबाना है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और तेल में खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। बाकी सभी बची हुई चपातियों को हमने इसी तरह से बनाना है बाकरवड़ी में कन्वर्ट करके अच्छे से। ये देखिए पूरी बन जाती है। तो फिर हम सभी आटे की बाकरवड़ियाँ बनानी है इसी तरह से रोल करके। देखो मेरी सभी बन गई है मेरी। अभी अभी मैंने इसको तेल में फ्राई करना है। तेल में फ्राई करते हैं, देखिए इस तरह से तेल गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, स्लो से मीडियम पे जाना है। देखिए इस तरह से डालने के बाद एकदम से झट से बुलबुले ना उठे, इस तरह से हमने स्लो से मीडियम पे रखना है ऑयल को। इस तरह से डालना है और धीरे धीरे पकते हुए ऊपर आएंगी, तभी हमारा तेल बराबर है ऐसा समझेंगे। खुलना नहीं चाहिए, या फास्ट पे डालेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमने धीरे धीरे ही ठंडे मीडियम तेल पे ही ऐड करना है उसको। तेल का तापमान ये स्लो से मीडियम ही होना चाहिए। तेल का तापमान अगर मीडियम फास्ट रहा तो वो ऊपर से जल जाती है, इसलिए देखिए ऐसे धीरे धीरे पक रही है, कितना अच्छे से खेल रही है। एक भी नहीं खुली हमारी, ना तो मसाला बाहर आया, इसका मतलब हमारा डो परफेक्ट बना है। डो परफेक्ट बने तो भाकरवड़ी खुलती नहीं है और अच्छे से क्रिस्पी बनती है। स्लो पे बनाओ तो, मैं ये स्टेप आपको बता रही क्योंकि ये मेन स्टेप है, इसी में सब भाकरवड़ी अच्छे से क्रिस्पी वगैरह होने का रहता है। और अंदर से पकना भी चाहिए, लेयर्स होती है तो इसलिए अंदर से अच्छे से पकनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से कोई मसाला बाहर नहीं दिख रहा है, मस्त पे की खेल रही है तेल में। बाकरवड़ी हमारी बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए सॉफ्टली हैंडल करना है इसको। ये देखिए अच्छे से धीरे धीरे पका रहे हैं, पक जाती तो हम लोग निकाल लेते हैं। ब्राउन करना है इसको, हल्के हल्के ब्राउन हो भी गई है, आगे पीछे करते हुए दोनों साइड से पकानी है। अभी निकाल लेते हैं, हो गई है हमारी ऑलमोस्ट। चलिए इसको निकालते हैं।
इस तरह से हमने निकालना है। बाकी सभी भी इसी तरह से यही प्रोसेस से बनानी है, उसके बाद में प्लेटिंग करते हैं। चलिए देखिए निकालिए, प्लेटिंग कर लेते, बाकी सभी ऐसे निकालिए, प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग की है मैंने, देखिए इस तरह से हमारी पाकर वड़ी बन गई है। बेहद टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता, एकदम मज़ेदार। दोस्तों आप बनाकर जरूर देखिए, ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें प्लीज़, और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए आरपीजीज रेसिपीज़।